सो हेलो पीपल, अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने रूम और मुझे एक की मिल गई है नीचे ऑफिस रूम से। और ये मेरा रूम है और ये की है 3 साल बाद रूम की। आप कैसी हो? सो हियर इज माय रूम। भाई मेरे से बहुत ठीक है, पर ये मैंने वापस पेंट किया है शायद तेरी इस जगह पे। डोंट लीव पंग, बहुत सफाई करनी पड़ेगी तो, पर तेरा ही सामान है, कम से कम ये तो बढ़िया है ना। ये पियानो है, जूते उतने तो अच्छे होगा नहीं भाई। बाहर भरे पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या है। डिस्पेंसर नहीं दिख रहा ना मेरे को मेरा, और ना ही कर्टन्स दिख रहे हैं। सामान तो पड़ा है, पता नहीं किसका है। ये क्यों छोड़ गए? सो दिस वॉज माई रूम 2020 के पहले, ये मेरा रूम हुआ करता था और अभी भी यही रूम मुझे अलॉट किया गया है। तो इसमें जितना भी स्टफ है आप देख रहे हैं, धूल कितना ज़्यादा गंदा है ये रूम। और ये मेरा बैग था जिसको मैं ले नहीं जा पाया ड्यू टू KG इशू। एंड अब जितना भी सारा सामान है सबको बाहर फेंकना है, जितना भी अनवांटेड चीज़ है जैसे कि कपड़ों में धूल जम रही है, बाहर जाएगा सब कुछ। सो उससे पहले इसमें मैं देखता हूँ कि पियानो है, ये मेरा मैंने ख़रीदा था, इसमें पियानो है कि नहीं। ये पियानो है एंड रूम तो ठीक है, इस वॉल पे पेंट हुआ है। और ये हमारा कबर्ड है और ये हमारे जो रूम पार्टनर थे उनका कबर्ड है। तो इनके भी कुछ कपड़े निकालने पड़ेंगे, फंगस लग रहे सब में, धूल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। सो चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले ग्लव्स पहनना पड़ेगा क्योंकि फंगस लगे हुए रूम में और दूर बहुत है। ग्लव्स और मास्क दोनों पहन के मैं इस रूम को क्लीन करता हूँ। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना पड़ते। सो काफी हद तक इस रूम से मैंने सामान निकाल दिया जो जिसमें फंगस लग चुके थे, जिसमें धूल थी और जो काम का नहीं था। और कुछ मेडिकल्स की बुक हैं और कुछ मेरे पास भी है इधर, और जब वो मेरे पार्टनर की बुक्स हैं। और ये मेरा शेल्फ है जिसमें मेरी बुक्स हैं मेडिकल की। और ये मेरा बैग था, इसका लॉकर ख़राब हो गया था चाइना से निकलने के 2 दिन पहले, तो इस बैग को यहीं छोड़ना पड़ा। देन आई हैड टू परचेज अ न्यू बैग। एंड अब इस रूम की तो, इस कबर्ड की तो मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, अब ये कबर्ड बाकी है। तो ये कबर्ड मेरा है, इसमें लॉक लगा के गया था मैं। तो इस रूम से माइक्रोवेव, फ्रिज और डिस्पेंसर वगैरह तो ले गया कोई जिन्होंने इस रूम के अंदर आया था, बट अगर ये मेरा खुला रहता कबर्ड तो वो इसे भी नहीं छोड़ते। अब इसे खोलते हैं, देखते हैं कि अपने कबर्ड में क्या क्या बचा अंदर और किस हालत में है। मेरे पास की है, मैं इंडिया से लाया हूँ उसे की। सो जब मैं चाइना जा रहा था तब मैं इस की को अपने पास रखा था और तब से लेकर अब तक मेरे पास थी ये की। और इसमें जो कीज़ हैं वो इन तालों की हैं। तो चलो देखते हैं खोल के कि क्या नज़ारा है अंदर का। सो मैं इसे फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ आपके सामने।
सो काफ़ी हद तक जो सामान है वो जैसा का तैसा है। अब मैं इसे भी खोलना चाहूँगा आपके सामने। यार मतलब जैसा रख के गया था ना गाइस वैसा ही है। और चलो ये खोल के देखते हैं क्योंकि इसमें ना मैंने चिंगडाओ से कप लिया था। चिंगडाओ एक सिटी है जहाँ से मैंने एक कप लिया था। और ये वैसा का वैसा ही है। मतलब काफ़ी चीज़ें जैसे मैं छोड़ के गया था थैंक गॉड कि वो अभी तक वैसी ही है। ये मेरा DSLR का बैग है। व्हाट इज दिस आई डोंट नो, फेंकना पड़ेगा सब। और यहाँ भी काफ़ी सामान वैसा का वैसा ही है थैंक गॉड। चलो अब एक एक करके खोलते हैं और इस अलमीरा को भी खाली करते हैं। तो ये है मेरी अलमीरा और कपड़े भी वैसे ही हैं। चलो